Hey everyone, welcome to Shams IAS. I am Shivangi Sharma and I am with chapter 4 of class 12th microeconomics, and the chapter is the theory of the firm under perfect competition. Okay, so naam se pata chala, we are going to study about the firm who is under perfect competition. Okay, so jaise I have discussed, maine pehle bhi bataya, a firm is a profit maximizer. Okay, jitna ho itna wo प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का काम करता है. फर्म इज़ अ प्रॉफिट टेकर. ठीक है, फर्म को क्या चाहिए? कोई भी फर्म है, एक स्पेशली प्राइवेट फर्म, उसका मेन मोटिव होता है व्हाट? प्रॉफिट, राइट? प्रॉफिट इज़ द मेन मोटो. सो ये अ फर्म इज़ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर. एंड सप्लाई कर्व शोज द लेवल ऑफ आउटपुट दैट अ फर्म चूजेस टू प्रोड्यूस एट डिफरेंट मार्केट प्राइजेस. मतलब सप्लाई कर्व इज समथिंग, एक कर्व जो दिखाता है कि एक फर्म डिफरेंट मार्केट में कितना प्रोडक्ट, कितना आउटपुट वो बेचना चाहता है. ठीक है, हम जब पूरा एग्रीगेट सप्लाई कर्व पढ़ते हैं इंडिविजुअल फर्म का, तब बनता है मार्केट सप्लाई कर्व. ठीक है, इसको छोड़ो, मैं बताती हूँ परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देयर आर, अच्छा वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. हाँ, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? ठीक है, एक कोई भी फर्म एक परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कब आता है? परफेक्ट कंपटीशन का क्या डेफिनेशन है? ठीक है, एक मार्केट जिसमें बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हो, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एज वेल. ठीक है, उसके बाद होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते, बोलते होमोजीनियस मतलब सेम प्रोडक्ट बनाते हो. ठीक है, उसके अलावा कोई भी फर्म कभी भी मार्केट में एंट्री ले सकता है और मार्केट से एग्जिट भी कर सकता है, एक फर्म फ्री होता है. ठीक है, उसके अलावा इंफॉर्मेशन इज परफेक्ट. परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है हमें हमें, ठीक है, चीज़ों के बारे में. सो अगर किसी भी मार्केट में बहुत सारे बायर्स और सेलर्स है, इसका मतलब हर एक इंडिविजुअल बायर और सेलर पूरे मार्केट के सही से कंपेयर किया जा सकता है. ठीक है, सपोज यू आर एन कंज्यूमर, यू आर ए कंज्यूमर, ठीक है, एंड अ बायर. एज अ बायर आप क्या क्या चीज़ें देखते हो? ठीक है, मार्केट में तो होमोजीनियस प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, इसका मतलब बहुत सारे फर्म हैं जो कि सेम ही चीज़ बनाते हैं, तो आप देखोगे. अब आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन से फर्म्स के पास जाके, सपोज टेक एग्जाम्पल ऑफ चॉकलेट. ठीक है, एक चॉकलेट है किसी भी दो ब्रांड की, सपोज कोई भी दो ब्रांड की चॉकलेट्स हैं. ठीक है, दिस इज ब्रांड ए एंड दिस इज ब्रांड बी. सो चॉकलेट्स में जो पैकेजिंग है, जो एमआरपी है, वो और कहीं ना कहीं टेस्ट भी काफ़ी हद तक सेम है. अब इन ए और बी में से आपको कौन सी कंपनी की चॉकलेट लेनी है, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द बायर, राइट? सो तो एक फर्म के लिए देयर इज अ कॉम्पिटिशन, क्योंकि बायर के ऊपर डिपेंड करता है. अब बायर उसको उससे चॉकलेट लेगा जिसको वो पसंद करता होगा, राइट? इसका मतलब है कि उसका अच्छा, उसकी अच्छी प्रोफाइल है इन द मार्केट. सो देर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, देर इज अ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. ओके, सो द फीचर्स जो हमने ऊपर पढ़ा उससे ये पता चलता है कि एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो सबसे, जो बिहेवियर है, जो सबसे मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज प्राइस टेकिंग बिहेवियर. ठीक है, अब एक फर्म से प्राइस टेकिंग क्या है? प्राइस टेकिंग मतलब वो एक, अगर वो प्राइस, सपोज द मार्केट प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग, मार्केट प्राइस ऑफ अ ऑफ अ टूथपेस्ट, फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्राइस ऑफ अ टूथपेस्ट इज 80 rupees. ठीक है, ज़्यादा ही हो गया कुछ, 80 rupees. तो इसका मतलब है कि जो फर्म है, अगर फर्म 80 rupees से ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करता है तो फर्म को प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा. बट एज अ सेलर, एक सेल, सॉरी नॉट एज अ सेलर बट एज अ बायर, आप देखोगे कि कौन सा प्रोडक्ट चीप है, मतलब सस्ता है. ठीक है, चीप नॉट इन द सेंस ऑफ क्वालिटी बट इन द सेंस ऑफ रेट. ठीक है, तो एक बायर उस जगह पर ज़्यादा झुकाव रखेगा जहाँ पर ज़्यादा बायर, जहाँ पे रेट कम होगा. सो इफ द प्राइस, अगर मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस है तो कोई भी क्वांटिटी नहीं बिकेगी.
अदर हैंड अगर प्राइस इसके इक्वल या इससे कम है तो फिर एक फर्म उतना बेच सकते उतने यूनिट्स बेच सकता है, ठीक है। बट एक कोई भी देखो कोई भी बायर है तो वो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस में चीज़ें खरीदेगा, ठीक है। तो अ प्राइस टेकिंग बिहेवियर बायर बिलीव्स डैट इफ शी आस्क फॉर द प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस नो फर्म विल बी विलिंग टू सेल टू हर। अगर सपोज अगर आप 80 रुपीज़ की टूथपेस्ट को एज अ बायर आप जाके बोलते हो कि 70 रुपीज़ में मुझे दे दो तो नो वन विल गिव यू, राइट, कोई भी नहीं देगा, है ना। सो इसलिए प्राइस टेकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ मार्केट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस करा था, व्हाट इज रेवेन्यू। कोई भी चीज़ को, कोई भी फर्म, कोई भी कमोडिटी को, कोई भी फर्म किस प्राइस में सेल करता है, द रेट ऑफ सेलिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज द रेवेन्यू, राइट, यही बोला था मैंने। एक फर्म रेवेन्यू अर्न करता है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में बेच के, ठीक है, जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो अगर मार्केट का जो प्राइस है डेट इज़ पी और क्यू है द क्वांटिटी, क्योंकि द टोटल रेवेन्यू विल बी द प्राइस मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी, ठीक है। समझ आप गए होंगे बेसिकली, क्योंकि रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट जो हमें मिलता है, ठीक है। तो हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज वी आर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड वी आर सेलिंग इट टू मार्केट एज वेल, ठीक है। टेक एन एग्जाम्पल, वी आर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट एंड वी आर सेलिंग अबाउट 80 यूनिट्स ऑफ द मार्केट एंड द रेट ऑफ पर यूनिट इज 100 रुपीज, ओके। सो द टोटल रेवेन्यू इज गोना बी 8,000 रुपीज, राइट। So yes, the total revenue is going to be the 8,000 rupees. So here we can make the, so for depicting the changes in revenue, total revenue में जो भी changes होंगे उसको हम show कर सकते हैं total revenue curve में, the TRC, ठीक है। So here suppose this is the revenue of you and this is the output, ठीक है, of any firm, ठीक है। दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज एक्स एक्सेस। सो वाई एक्सेस शो द रेवेन्यू एंड द एक्स एक्सेस शो द आउटपुट, ठीक है। सो क्या क्वांटिटी है, सपोज आपकी क्वांटिटी 1 है, द क्वांटिटी एक इस क्वांटिटी को अगर आप बेच रहे हैं तो आपको ये इस अमाउंट तक रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है। सो कितनी आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे उतने रेवेन्यू मिलते जाएगा, राइट, ठीक है। देखो सपोज यू आर सेलिंग 100 यूनिट्स, अगर आप 100 यूनिट्स बेचोगे ऑफ 10 रुपीज़ पर तो आपको 1,000 रुपीज़ मिल रहा है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हो 120 कर देते हो तो आपको 1,200 मिलेगा, राइट। इसलिए जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा उस आउटपुट बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी साथ में बढ़ेगा, ओके। एवरेज रेवेन्यू, हम एवरेज यूटिलिटी से लेके एवरेज प्रोडक्शन एंड नाउ वी आर एट एवरेज रेवेन्यू। एवरेज होता क्या है, एवरेज इज समथिंग पर यूनिट। सो एवरेज पर रेवेन्यू, सॉरी एवरेज रेवेन्यू इज रेवेन्यू पर यूनिट, हर एक यूनिट से कितना हमें वो मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि हर एक यूनिट से हमें जितना रेवेन्यू मिलता है वो होता है एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। मतलब सपोज टेक एन एग्जाम्पल डैट यू आर सेलिंग चॉकलेट ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। सो यू आर सेलिंग 25, यू आर सेलिंग सपोज 100 यूनिट्स, ठीक है। सो अगर आप 100 यूनिट्स बेच रहे हो तो द रेट ऑफ 100 यूनिट्स एज पर 5 रुपीज पर यूनिट विल बी 500 रुपीज। सो फॉर एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई 100 टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई द क्वांटिटी। So if you will divide it, you will get 5, and 5 is your price, as we started from the price. So the average revenue is equal to the price, okay? So if we consider figure 4.2, here is the formula. So if we consider figure 4.2, हमें ये पता चलेगा कि अगर हम मार्केट प्राइजेस को प्लॉट करें वाई एक्सिस पे, ठीक है, दिस इज फॉर मार्केट प्राइजेस, ठीक है, वाई एक्सिस एंड different values for x-axis. x-axis में आता है हमारे पास different values of the output, ठीक है। जबकि market price is fixed at P. Suppose this is the market price.
वी ऑब्टेन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डेट कट्स वाई एक्सिस. ठीक है, वाई एक्सिस से हमें एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी विच इज इक्वल टू पी. ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और ये जो लाइन होगी, दिस लाइन इज गोना बी द प्राइस लाइन. ओके, सो द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू फॉर अ यूनिट इंक्रीज इन द फर्म्स आउटपुट. सपोज एक जो भी मार्जिनल रेवेन्यू है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू. मतलब कोई भी फर्म कितना आउटपुट बनाता है, ठीक है, कितना आउटपुट जनरेट करता है, उसमें कितना एडिशनल होगा. मार्जिनल इज इक्वल टू एडिशनल, हमने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस करी है. ठीक है, हमने मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा, मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ी. सो मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स कि हम जब एक यूनिट में, एक फर्म के आउटपुट में एक इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, एक यूनिट का, सपोज कि एक फर्म प्रोड्यूस 6 units. ठीक है, 6 units प्रोड्यूस करता है एंड सेल इट एट द रेट ऑफ 10 rupees पर यूनिट. ठीक है, तो द रेवेन्यू विल बी 6 × 10 विच इज 60 rupees. बट इफ अ फर्म इंट्रोड्यूस वन मोर यूनिट, दैट विल बी सेवन यूनिट्स. सो 7 × 10 इज गोना बी 70. ठीक है, सो देर इज एन एडिशन ऑफ 10 rupees and this 10 rupees is gonna be the marginal revenue. ठीक है, here marginal revenue is equal to change in total revenue divided by change in quality which is which is equal to 10. ठीक है, हम लोग ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अ फर्म प्रोड्यूसेज एंड सेल्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स. एक फर्म का काम क्या होता है, what is the function of a firm? To produce and sell, right? एक फर्म प्रोड्यूस करती है और बेचती है. अगर फर्म का प्रॉफिट डिनाइड किया जाए पाए से, ठीक है, डिनोट करते हैं हम पाए से, तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो डिफरेंस होगा, डैट इज गोना बी द प्रॉफिट. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस चैप्टर आई गेस. सो टोटल रेवेन्यू, सपोज यू मेक चॉकलेट्स. ठीक है, यू हैविंग अ फर्म, एक्स वाई जेड फर्म, एंड यू प्रोड्यूस चॉकलेट्स. सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट यू पे फॉर प्रोड्यूसिंग अ चॉकलेट, फॉर अ सिंगल चॉकलेट, ठीक है, फॉर अ सिंगल चॉकलेट इज 50 rupees. ओके, बट यू सेल इट इन अ मार्केट एट द रेट ऑफ 55 rupees. ओके, so when you'll set it, you'll sell it, you'll got 55 rupees which is going to be your revenue, right? So and this is your cost of production. When you reduce your cost of production from the revenue, the remaining is the profit. ठीक है, मतलब जब भी आप अपने revenue से अपना cost of production reduce कर देते हो, जो बचता है that is your profit. तो यहाँ पर 5 rupees is going to be your profit. ठीक है, so प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए 3 conditions होती है. ठीक है, जो प्राइस है वो होता है इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग. मार्जिनल कॉस्ट मतलब डिक्रीज नहीं होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता ही रहना चाहिए. ठीक है, अगर एक फर्म को कंटिन्यू करना है प्रोडक्शन, चाहे वो शॉर्ट रन में हो, अगर वो शॉर्ट रन में प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, और लॉन्ग रन में प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, अगर फर्म, अब देखो व्हाट इज एवरेज, हमने ऊपर पढ़ा कि जब भी आप किसी चीज़ का एवरेज, हम ये एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द कॉस्ट. तो अगर आपको प्रॉफिट जनरेट करना है, तो आपको एवरेज रेवेन्यू से तो ज़्यादा ही अपनी कॉस्ट रखनी चाहिए जो आप बेच रहे हो, है ना, समझ रहे हो आप. सपोज कि चलो एक वन बाय वन हम पढ़ते हैं. सबसे पहले कंडीशन 1, अगर देखो अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है, प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा. देखो मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, देखो अगर मार्जिनल रेवेन्यू दिस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट. देखो हमने अभी पढ़ा व्हाट इज
रेवेन्यू एंड कॉस्ट। देखो रेवेन्यू इज द रेट जिसमें आप बेच रहे हो, ठीक है, जिस रेट जिस अमाउंट में आप बेच रहे हो डैट इज द रेवेन्यू, एंड द कॉस्ट इज जो आपने पे किया है उस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए। अगर रेवेन्यू ज़्यादा होगा, जिस अमाउंट में आप बेच रहे हो वो ज़्यादा होगा, तभी तो आप प्रॉफिट जनरेट कर सकोगे कि नहीं, समझ रहे हो। अगर आपको प्रॉफिट जनरेट, देखो इसीलिए जो कॉस्ट है वो तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो अपेरेंटली प्रॉफिट तो गिर गया, आप लॉस में चले जाओगे, ठीक है। या तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, देर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। या फिर जो आपका रेवेन्यू है डैट इज सपोज टू बी हायर देन द कॉस्ट, द मार्जिनल रेवेन्यू इज सपोज टू बी हायर देन द कॉस्ट, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, गॉट इट। कंडीशन सेकेंड, अगर consider the second condition that must hold when profit maximization output level is positive. देखो जो marginal cost curve होता है ना वो downward नहीं slope कर सकता, क्योंकि अगर marginal का price का जो marginal cost है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड वो कर जाएगा, तब तो देर विल बी लॉस, देर विल बी नो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो बिकॉज दिस इज द प्राइस लेवल, ये हमने अभी पढ़ा, दिस इज द प्राइस लाइन, सॉरी। अगर आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो प्राइस लेवल से नीचे जा रहा है तो इट मींस यू आर सफरिंग फ्रॉम लॉस, है ना। इसीलिए जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो प्राइस लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए, इट शुड बी इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। थर्ड कंडीशन जिसमें प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, ठीक है। आपका जो भी प्राइस है, जो भी प्राइस में आप बेच रहे हैं डैट इज सपोज टू बी ग्रेटर देन द एवीसी, अगर आप शॉर्ट रन में बात कर रहे हो, ठीक है, शॉर्ट रन में आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इससे आपका प्राइस इज सपोज टू बी हायर, ये कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर आप लॉन्ग रन में हो तो लॉन्ग रन में आपका जो प्राइस है डैट इज सपोज टू बी हायर और इक्वल देन द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट से अगर आपको प्रॉफिट चाहिए या फिर मतलब लॉस नहीं होना चाहिए तो या तो इक्वल हो, देर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, उसके अलावा ये ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए। एंड द फर्म इज टू प्रोड्यूस प्रॉफिट ओनली, फर्म का काम क्या है, फर्म का तो काम ही प्रोड्यूस करना है, प्रॉफिट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म, अब फर्म का जो सप्लाई है, एक सप्लाई क्या होती है, सप्लाई इज समथिंग जिसमें फर्म चूज करती है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी क्वांटिटी बेचना चाहती है, ठीक है, जिसमें टेक्नोलॉजी और जो प्राइजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके भी प्राइस इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। कोई भी टेबल जो डिस्क्राइब करता है क्वांटिटी सोल्ड बाय द फर्म एट वेरियस प्राइसेस, कि एक फर्म कितने प्राइस में, कितने टेक मतलब जिस प्राइस में टेक्नोलॉजी और प्राइस के फैक्टर्स भी है वो अनचेंज रहते हैं, ठीक है, प्राइस और टेक्नोलॉजी के फैक्टर अनचेंज रहते हैं, और वो किस रेट में कितनी क्वांटिटीज बेच रही है डैट इज सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। और एक सप्लाई कर्व, फर्म का जो सप्लाई कर्व होता है उससे हम जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो उसको एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं, और कितना फर्म प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द मार्केट प्राइस दैट विल बी प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, जिसमें टेक्नोलॉजी और प्राइस के फैक्टर को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फैक्टर्स को हम इक्वल अनचेंज रखते हैं, ठीक है, दे आर स्टेबलाइज्ड। सो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व एंड लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, जब हम शॉर्ट रन सप्लाई फर्म की शॉर्ट रन सप्लाई कर्व में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्राइस मिनिमम एबीसी से ज़्यादा ही होगा, या तो ज़्यादा होगा या तो इक्वल होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से या तो इक्वल होगा या तो ज़्यादा ही रहेगा, उसके अलावा देखो केस वन है जिसमें प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम एबीसी। सो इधर हम देखें कि सपोज करो मार्केट प्राइस है P1 जो कि मिनिमम एवीसी से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से एक्सीड करता है, ठीक है, तो हम अपने प्राइस को SMC से इक्वेट करेंगे, ठीक है, जिसमें SMC जो है वो बेसिकली राइज ही कर रहा होगा, ठीक है, जिसे आउटपुट लेवल में मतलब आउटपुट लेवल में थोड़ा इंक्रीमेंट होगा SMC में, जिसे
एक और चीज़ हमें नोट करनी है कि एबीसी जो क्वांटिटी है वो एबीसी से मार्केट प्राइस में एक्सीड नहीं करती है, ठीक है। तो और अगर हम सेकंड देखें कि अगर प्राइस इज लेस देन मिनिमम एबीसी, अगर प्राइस मिनिमम एबीसी से लेस है तो इसका मतलब देर इज़ नो प्रॉफिट, क्योंकि देर विल बी लॉस, क्योंकि ये तो हमारी प्राइस, सॉरी, ये तो हमारी बेसिक प्राइस लाइन है, तो प्राइस लाइन से अगर नीचे जा रहे तो देर इज़ लॉस, ठीक है। वैसे ही अगर हम लॉन्ग रन सप्लाई कर्व में देखें तो हमने जो ऊपर पढ़ा बेसिकली वही इधर है कि अगर प्राइस LRAC यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है तो देर विल बी प्रॉफिट, और अगर कम है तो देर विल बी लॉस, ठीक है। द शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसमें मतलब चीज़ें बंद हो जाती है। मतलब हम यहाँ पे पढ़ते हैं देखो कि सप्लाई कर्व में जैसे हम नीचे नीचे जाते हैं, द लाइस्ट प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन एट विच द फर्म प्रोड्यूसेस पॉजिटिव आउटपुट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम एवीसी। एक लास्ट पॉइंट जिसमें एक पॉजिटिव, जिसमें फर्म पॉजिटिव आउटपुट जनरेट करता है, डैट इज द मिनिमम ऑफ एवीसी, जहाँ पे एसएमसी कर्व जो है वो एवीसी कर्व को कट करता है, ठीक है। इसके नीचे जो पॉइंट है जहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगा, नेगेटिव प्रोडक्शन, नेगेटिव नेगेटिव प्रॉफिट नहीं, लॉस होगा, डैट इज द शट डाउन पॉइंट, ठीक है। LRAC का जो मिनिमम पॉइंट है वो शट डाउन पॉइंट होता है। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन पॉइंट। देखो, जब जितना प्रॉफिट एक फर्म को चाहिए, मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट जो चाहिए फर्म को, डैट इज जो वो मिल जाता है, डैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। अगर जितना प्रॉफिट चाहिए उससे एक्सेस मिलता है, डैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और एक पॉइंट जिसमें सप्लाई कर्व में फर्म्स सिर्फ एक मतलब एक ऐसा पॉइंट सप्लाई कर्व में जिसमें एक फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही जनरेट कर रही होती है, डैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, देखो अब फर्म की सप्लाई कर्व में ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एक सब फर्म की सप्लाई कर्व में चीज़ों का फर्क पड़ता है। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस प्रोग्रेस, सॉरी। देखो, कोई भी फर्म है, ठीक है, अगर एक फर्म कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करती है थ्रू द टेक नॉट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, गेस, सपोज एक फर्म है जो कि अपने कपड़ों पे कढ़ाई कढ़ाई का काम करते हैं ना, वो करती है। आज अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो हाथ की कढ़ाई करते थे फ्रॉम हैंड्स, तो ज़्यादा टाइम लग जाता था। बट टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद वो कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितना सप्लाई कर सकते हैं, उसमें तो चेंज आएगा ही, ठीक है। एज द फर्म सप्लाई कर्व इज असेंशली अ सेगमेंट ऑफ द एमसी कर्व, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शिफ्ट विद द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म टू द राइट, राइट में वो करेगा। एट एनी गिवन मार्केट प्राइस द फर्म, अब फर्म ज़्यादा इन आउट ज़्यादा यूनिट्स बना सकेगा, ठीक है। बेसिकली इनपुट प्राइजेस, सो इनपुट प्राइस इज द सेकेंड फैक्टर। देखो, अगर इनपुट प्राइस में चेंज आता है तब भी फर्म की सप्लाई कर्व में फर्क पड़ेगा। कैसे? सपोज आप शुगर बनाते हो, ठीक है, तो पीछे से जो आपकी शुगर केन आती है, ठीक है, उसमें कितना, उसकी क्या अमाउंट है, वो फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? सपोज आप अभी तक शुगर केन खरीद रहे थे एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर केजी, ठीक है, जस्ट सपोज 50 रुपीज़ पर केजी की उसमें आप खरीद रहे थे, अचानक से शुगर केन का रेट 80 रुपीज़ पर केजी पड़ जाता है तो आपकी सप्लाई कर्व में फ़र्क आएगा, ठीक है, नेगेटिवली जाएगी, लेफ्ट साइड स्लोप कर जाएगी। बट अगर उसका शुगर केन का रेट अपेरेंटली 80 से हटकर इट टर्न्स इंटू 30 केजी, तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, राइट? सो यस, दिस इज द सेकेंड एस्पेक्ट। अब हम पढ़ते हैं मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व शो करता है आउटपुट लेवल जो कि एक्स एक्सिस में होता है, जो डैट द मार्क डैट फर्म इज मार्केट फर्म इन द मार्केट प्रोड्यूस इन एग्रीगेट कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द मार्केट। जो कितना वैल्यू प्रोड्यूस, कितना आउटपुट एक फर्म प्रोड्यूस कर पा रही है कोरस्पॉन्डिंग टू द जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है मार्केट पे, ठीक है, उसके होते हुए भी कितना प्रोड्यूस कर पा रही है, डैट इज द मार्केट सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द क्वांटिटी और दिस इज द प्राइस। देखो, जब तक प्राइस
P1 था प्राइस, तो फर्म इतना प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है? जब P2 हुआ तो फर्म का प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? जैसे ही प्राइस 3 तक गया, उसके बाद से इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है सप्लाई में बेसिकली, ठीक है? इधर देखो, बी में अगर हम देखें, सॉरी, दिस इज द क्वांटिटी एंड दिस इज द आउटपुट. सो इधर भी हमें देखने को मिलेगा चेंजेस, ओके, अकॉर्डिंग टू द रेट एंड कि कितना प्रोड्यूस कर रही है फर्म. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वान्टिटी सप्लाई टू चेंज इन द मार्केट प्राइस ऑफ गुड. कि अगर किसी भी गुड का प्राइस चेंज होता है तो उस पर्टिकुलर गुड की जो सप्लाई है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या, व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी इज समथिंग विच इज फ्लेक्सिबल, राइट, विच इज एडजस्टेबल. कितना चेंज, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, कितनी इलास्टिसिटी आती है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है? सो हियर दिस इज द फॉर्मूला. यहाँ पे देखो कि प्राइस ऑफ क्रिकेट बॉल, ठीक है, जो पुराना प्राइस है डैट इज 10 रुपीज एंड द न्यू प्राइस इज 30 रुपीज. सेम, द ओल्ड क्वांटिटी वॉज 200 एंड द न्यू क्वांटिटी वॉज 1000. तो इधर अगर हम फॉर्मूला इम्प्लीकेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा जो परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी सप्लाइड में डैट इज 400, ठीक है? सो परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस इज गोना बी 10. तो अगर हम पूरा डिवाइड करें अपेरेंटली, तो हमें ये पता चलता है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है हमारी सप्लाई का डैट इज 2, ओके? सो यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल. आई होप यू लाइक द वीडियो. एंड यस, द लास्ट चैप्टर इज रिमेनिंग फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो यस, थैंक यू वेरी मच.